नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। उत्तर प्रदेश में जब से मदरसों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से यूपी में 8,500 मदरसे बंद हो गए हैं। पिछले 4 साल में प्रदेश में एक भी मदरसे को मान्यता नहीं मिली है। इन मदरसों के बंद होने से इन मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 4 लाख बच्चों का भविष्य अधर में फंस गया है। अब केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस पर चिंता जाहिर की है और साथ ही इन बच्चों की पूरी जानकारी जुटाने को भी कहा है। 4 साल में बंद हुए इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या हुआ, इनके भविष्य का क्या हुआ, इसे लेकर यूपी सरकार के अधिकारी पूरी तरह गैर जिम्मेदार नजर आए। अब केंद्र सरकार के सवाल जवाब के बाद अधिकारी उनकी तलाश में जुट गए हैं। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 2017 के बाद मदरसों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की जिस पर मदरसों का रजिस्ट्रेशन होना था। जिस समय इस वेबसाइट की शुरुआत हुई उस समय उत्तर प्रदेश में 19,000 से ज्यादा मदरसे थे। सरकार की वेबसाइट पर इन सभी मदरसों का रजिस्ट्रेशन होना था। रजिस्ट्रेशन के बाद हर जिलों में मदरसों का सर्वे कराया गया। सर्वे के बाद ये मदरसे घटकर 10,500 ही रह गए। यानी अब 10,500 मदरसे ही यूपी में दर्ज हैं और 8,500 मदरसे मान्यता ना मिलने के कारण बंद हो चुके हैं। दिल्ली में इंडिया हेरिटेज सेंटर में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में पता चला कि उत्तर प्रदेश में पोर्टल शुरू करने के बाद से 8,500 मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसके बाद वो बंद कर दिए गए। अब मंत्रालय की तरफ से सवाल उठा है, अगर प्रत्येक मदरसे में औसतन 50 बच्चे भी होते हैं तो इनकी संख्या 4 लाख हो जाती है। ऐसे में इन मदरसों के बंद हो जाने के बाद यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कहाँ चले गए, इन बच्चों को तलाशने के लिए क्या किया गया, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सारे सवाल सेमिनार में उठाए गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ये निर्देश दिए गए कि इन बच्चों का डाटा तैयार किया जाए, ऐसे सभी बच्चों को दूसरे मदरसों या स्कूल से जोड़ा जाए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों से किसी नए मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है, जिसके कारण ये मदरसे बंद हो गए। अब बताया जा रहा है कि इस साल कुछ मदरसों को मान्यता दी जा सकती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक का कहना है कि मान्यता के लिए हमारे पास लगभग मदरसों के 5,000 आवेदन पेंडिंग हैं। इन आवेदनों का सत्यापन कराया जा रहा है। इनमें से मानक पूरा करने वाले आवेदक काफी कम हैं। सभी बच्चों को आधार कार्ड से जोड़कर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है ताकि सभी बच्चों का पता चल सके। इसी के साथ बंद हुए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज़ कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।